छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कई अन्य संगठनों के समर्थन के साथ निगम भिलाई के अधिकारियों ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर लामबंदी दिखाई और कार्य बंद कर निगम भिलाई मुख्यालय के गेट पर किया प्रदर्शन। नगरपालिका निगम भिलाई के कर्मचारियों ने भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी लंबित मांगों के लिए निगम भिलाई के मुख्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को जल्द दिलाने की गुहार लगाई। तत्पश्चात अन्य श्रमिक संगठनों के सहयोग के साथ कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। निगम भिलाई के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बुधवार 29 जून को कलमबंद हड़ताल भी की, जिससे निगम परिसर में सन्नाटा छाया रहा। इसी बीच निगम में अपने आवश्यक कार्यों को कराने आए लोगों को इधर उधर भटकते भी देखा गया। स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता शरद दुबे ने इस प्रदर्शन और कलमबंद हड़ताल की जानकारी मीडिया को दी और कहा कि हमारी मांगे पूर्णतः जायज है और अगर मांगे जल्द पूरी नहीं होती हैं तो आज एक दिन का हड़ताल आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपील किया है कि 34% डीए केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवां वेतनमान की मांग से मकान भाड़ा भत्ता ये प्रदान करने के लिए शासन से हम लोग कर्मचारी संगठन गुहार लगा रहे हैं, प्रदेश स्तर के लोग। और इसके पहले भी एक डीसी प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद फिर एक समारोह आयोजित किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई, तो उसको हमारा डीए और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले, जिसमें 27 संगठन प्रदेश के शामिल होकर एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात नगर निगम की, तो नगरी निकाय पूरे प्रदेश की नगरी निकाय, नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत ये सभी एक साथ आज पूरे प्रदेश में बंद हैं और अपने अपने मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके जिला मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने का एक प्रोग्राम है, जो रैली के रूप में आज दुर्ग जिले के लिए निकली है, दुर्ग कार्यालय के लिए। मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर और किस तरह का प्रदर्शन? इसमें पूरे प्रदेश स्तर के कर्मचारी संगठन शामिल हैं और हर संगठन के एक एक प्रतिनिधि मिल के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का निर्माण किया गया है, जो आज के बाद जैसा भी निर्णय होगा अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का, जिसमें हमारी संगठन की प्रतिनिधि हैं, तो वो निर्णय के आधार पर आगे रणनीति तय की जाएगी। पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष रखकर गुहार लगाई गई कि मांगों पर विशेष ध्यान देकर इसे जल्द पूरा किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।